अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर्मल ड्रेसेस की कलेक्शन, जिसमें स्टेच्ड और अनस्टेच्ड ड्रेसेस दोनों शामिल हैं। शुरू में मैंने स्टेच्ड ड्रेसेस दिखाए हैं, तो चलिए डिटेल जो है वो देख लेते हैं इन ड्रेसेस की। ये पहला जो स्टेच ड्रेस है, ये थ्री पीस है। ये इसका ट्राउज़र है, इस तरह से बना हुआ। ट्राउज़र पर भी नीचे जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है। दुपट्टा इसका काफ़ी खूबसूरत है, पल्लू जो है इसके एम्ब्रॉयडर्ड है और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी मज़े का है। ये है जी शर्ट, शर्ट का फ्रंट इस तरह का है और एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये ड्रेस जो है वो मैंने डोरिया से देखा था। स्लीव्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं और शर्ट का फ्रंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का है, मतलब डिसेंट है, पार्टी वियर सूट है। और प्राइस है जनाब इसकी 8000, थ्री पीस स्टिच ड्रेस है ये वाला। उसके बाद जनाब मैंने देखा है एक वाइट ड्रेस, जो कि मुझे पसंद आया था बाय करने के लिए। तो ये ड्रेस जो है ये काफ़ी ग्रेसफुल है। ये है जी, इसमें ना थोड़े और कलर भी जो है ना एक अवेलेबल था, मतलब सेम तो ड्रेस नहीं था, मिलता जुलता ड्रेस था। ये वाइट जो है ये मुझे पसंद आया था, ऑफ वाइट ड्रेस है एक्चुअली। और ये है जी इसकी शर्ट, इसकी शर्ट जो है ना वो उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल लेंथ है। और नीचे जो है ना वो ऑर्गेन्जा का शरारा बना हुआ है। तो ये काफ़ी क्यूट ड्रेस है, मतलब फिर मुझे लगा कि ये निकाह वाले इवेंट टाइप के लिए अच्छा रहेगा, तो इसको भी मैंने बाय नहीं किया। 11200 है इसकी प्राइस, लेकिन काफ़ी अच्छा ये वाला वाइट वाला सूट है। इसमें ना एक और कलर भी अवेलेबल था, डोरिया मैंने विज़िट की थी, शॉप है एक यहाँ पे मेरी सिटी में। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मुझे कुछ ड्रेसेस अनस्टिच पसंद आए थे, ये वाला बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था, काफ़ी क्यूट ड्रेस है। अच्छा, अब इनकी जो प्राइसेस थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी सबकी, मतलब वैसे मिलती जुलती थी। एक ड्रेस इसमें से मैंने परचेज़ किया था जिसकी प्राइस 8500 थी, वैसे कुछ ना ये 8500 से ना 13000 इन ड्रेसेस की प्राइसेस हैं। ये वाला ऑर्गेन्जा का सूट है, दुपट्टा इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और शर्ट जो है इसकी एम्ब्रॉयडर्ड है, इसके ऊपर हैंडवर्क भी हुआ हुआ है। काफ़ी अच्छा ड्रेस है, ऐसे कुछ डिज़ाइनर टाइप के ड्रेसेस हैं ऑर्गेन्जा के हैं। और प्राइस रेंज जो मैंने आपको बता दी, 8.5 से 13 तक ड्रेसेस की रेंज है। उसके बाद ये साड़ियाँ थी फॉर्मल, वैसे इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आई साड़ी, लेकिन ऐसे मैंने इसको कवर कर लिया कि चलें मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो है इसकी शेयर करूँगी। और प्राइसेस इनकी काफ़ी रीज़नेबल थी, इस वजह से फिर जो है वो मैंने इसको कवर कर लिया। फिर ये कुछ ड्रेसेस हैं, और ये साड़ी है ब्लैक कलर की, नेट की, इस तरह की मैंने ऑनलाइन भी देखी है, ऐसे कोई रेप्लिका टाइप की साड़ी है, ये ओरिजिनल नहीं है। और ये वाली साड़ी जो है ना वो थी 7000 की। फिर जनाब ये कुछ ड्रेसेस हैं, वैसे मुझे इनकी ना साड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी, सिर्फ जो ड्रेसेस हैं ना वो पसंद आ रहे थे। वो एक मुझे ब्लैक एंड रेड वाला, ये जो भी साथ नज़र आ रहा है वो वाला, और एक जो है वो मुझे येलो वाला ड्रेस पसंद आया था। अच्छा जनाब, फिर ये वाला मैक्सी है, नेट की मैक्सीज थी हैंडवर्क के साथ, मतलब प्रॉपर ऊपर स्टोन्स पर्ल्स वगैरह लगे हुए थे। और इनकी इन मैक्सीज की प्राइस जो है ना वो भी कोई 11000-12000 थी। नेट की ये मैक्सीज हैं, स्टेच्ड ये बनी हुई हैं। अच्छा, स्टेच्ड जो थी ना उनकी प्राइस भी सेम है, और जो अनस्टेच्ड है ना उनकी प्राइस भी सेम है। वो कह रहे थे कि जो स्टेच्ड है ना वो वहाँ पे हमें होता है कि वो फ़िक्स हो गया अब एक साइज़ का, तो उसकी प्राइस और इसकी सेम ही रहती है। फिर मुझे लगा कि इट्स बेटर टू बाय स्टेच्ड वन। अच्छा जी, फिर ये ड्रेसेस हैं जो कि थोड़े सही लग रहे थे मुझे। इसमें से मुझे ये जो मेहंदी कलर वाला ड्रेस है ना ये अच्छा लगा था। प्राइस रेंज इसकी भी 8500 है। ब्लैक एंड रेड ड्रेस है, अभी गुजरा था वो, शायद मारिया भी टाइप का ड्रेस था, और वो वाला ड्रेस जो है ना वो भी 8000 में अवेलेबल था। अच्छा, फिर जनाब ये वाला भी एक मज़े का, मतलब ऐसे ना डिसेंट, अगर आप चाहते हैं कुछ डिसेंट हो, शर्ट और ट्राउज़र हो, तो उसके लिए फिर ये वाले ड्रेसेस जो है ना वो रीज़नेबल हैं। ये देखें, करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ हैंडवर्क हुआ हुआ इनके ऊपर, इन ड्रेसेस के ऊपर। और ये वाले ड्रेसेस जो है ना सारे के सारे ऑर्गेन्जा के हैं, कुछ के साथ जो ट्राउज़र्स हैं ना वो उनका फैब्रिक चेंज है, और कुछ के साथ ट्राउज़र्स जो है ना वो ऐसे कुछ सिल्क टाइप का, रॉ सिल्क के ट्राउज़र्स हैं। फिर ये एक डिसेंट सा सिंपल सा सूट है, लाइट सा कलर, मदर कलेक्शन टाइप है। अच्छा जी, यहाँ से फिर जो येलो सूट था वो मैंने बाय कर लिया था। फिर मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू करा दूँ कि किस किस तरह के ड्रेसेस थे। ये ब्लैक एंड रेड, सॉरी, जो ड्रेस है ना वो मुझे पसंद था, ये वाला।
ये काफ़ी क्यूट ड्रेस है, जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर भी हैंडवर्क एम्ब्रॉयडर्ड है, ऑर्गेन्जा का है, हैंडवर्क हुआ है, और इसका जो ट्राउज़र था ना वो भी ऑर्गेन्जा का था। पहले मैं इसको बाय करने लगी थी, फिर मैंने नहीं बाय किया क्योंकि ट्राउज़र के नीचे भी अलग से फैब्रिक लग के ना फिर स्टिच होना था, तो वो मुझे मुश्किल लगा था। मैंने सोचा इतने लंबे चक्रों में पड़ जाएँ, तो वो वाला नहीं मैंने बाय किया। तो जनाब ये थी मेरी आज की फैंसी ड्रेसेस की कलेक्शन। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई